करेंगे जो बिल्कुल साइड में बैठे हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कैंडल लाइटिंग के लिए आने वाले महानुभावों को, तहे दिल से धन्यवाद। सिस्टर शिवानी बहन का निवेदन है, जो आप सभी को मेरा हाथ तो दिखाई पड़ता होगा शायद, इस साइड जो बैठे हैं वो सभी खड़े होकर यहाँ आगे नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी जो बिल्कुल साइड में बैठे हैं सेवाधारी, आप सभी को जरूर से गाइड करेंगे। जो बिल्कुल इस साइड पैसेज में जो बैठे हैं, हाँ, और जो बीच में भी नीचे बैठे हैं, बीच में भी जो नीचे बैठे हैं और यहाँ भी जो नीचे बैठे हैं वो सभी आएंगे। हाँ, जो नीचे पैसेज में बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, वो सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, लेकिन जो नीचे बैठे हैं वो सभी आगे आएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह है और आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फटाफट जल्दी अपने स्थान से खड़े होकर के जो भी नीचे बैठे हैं वो ही आएंगे, जो कुर्सी पर बैठे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से अपने सिंहासन को अच्छी तरह से पकड़ कर बैठना, ताकि आपका सिंहासन और कोई ले न लेवे। जो नीचे बैठे वो सभी यहाँ आ जाएंगे, और बहुत ही शांति से अभी सबसे पहले हम सबके बीच में आदरणीय भ्राता सुरेश भाई उपस्थित हैं। सुरेश भाई का परिचय की भी जास्ती दरकार नहीं है, क्योंकि आपका आवाज़ सबके दिलों तक पहुँच ही गया है। बहुत ही समय से, करीब 250 से अधिक फिल्म में आपने बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले किया है, और पिछले कई सालों से आप अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं। आपका जीवन ही सबके लिए एक प्रेरणा रूप है, आपका ये शब्द ही सबके लिए एक नई जीवन जीने की कला सिखाता है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय भ्राता सुरेश भाई से नम्र निवेदन कर रही हूँ, अपने लाइफ के अनुभव के आधार से हम सबको प्रेरणा देंगे। आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी। ओम, मेरी आवाज, ओम शांति। Creating my destiny. I have been creating my destiny from childhood, from before. इससे पहले पता नहीं कितने जन्मों से destiny ही create कर रहा हूँ. Basically, मेरे हिसाब से हम सब हर क्षण हर thought से अपनी destiny create करते हैं. ये आज मेरे समझ में आया, आठ दस साल के बाद. कुछ साल पहले मैं समझता था कि ऑर्डर दो, कोई बच्चे पूछते थे क्यों, तो बोल दिया ना करो, बस करो, दैट्स इट, सवाल नहीं पूछो, कोई नहीं सुना अपने हिसाब से, ऐसे वो गुस्से में, टाइम नहीं है किसी को समझाने के लिए, ईगो हर्ट एंगर जेलसी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे में नहीं. मेरी डेस्टिनी मैं क्रिएट मैं करना चाहता था
जेब में भी देवानंद की फोटो लेके घूमता था, घर में भी देवानंद की फोटो लगाई हुई थी। उससे पहले छोटा था तो हमारे यहाँ जिम नहीं होते थे, उस जमाने में व्यायामशाला होते थे, तो हनुमान व्यायामशाला में एक बॉडी बिल्डर था, उसकी फोटो लगाई थी। लेकिन मैंने कभी भी कनेक्शन से ही, जब मेरी खुद की बैटरी चार्ज हुई, जैसे पंजाबी में बोलते करो जाए करो खा के जाओ तो बाहर आप ही मिलते, मतलब अपने घर से पेट भर के जाओ तो आगे मिलेगा, भूखे पेट से जाओगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो अपन जब खुद ही फुल रहते हैं तो कितनी अच्छी मतलब फीलिंग आती है। तो जैसे जैसे कर्म मेरे मेरे संस्कार चेंज हुए, तो संस्कार से मेरी फीडिंग चेंज हुई। सुबह उठ के न्यूज़पेपर का बकवास पढ़ना, फेसबुक को देखना, इससे बात करना, दो फोन प्रोड्यूसर के आ गए, देर से देर हो रही है, मालूम है यार, मालूम पैसे नहीं देता है फिर भी देर, ये बोलता है वो बोलता है, सुबह से चालू होता था। तो सुबह मैं क्या खिलाता था, मेरी माँ बोलते पुत्र सवेरे सवेरे ना बादाम खाया कर, थोड़ा मक्खन डाल के, एक मिर्ची डाल के, दो काली मिर्ची डाल के कटोरी में देती थी सुबह। ये तो खा लिया, यहाँ नहीं खिलाया, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं था स्कूल में कि थिंकिंग करते कैसे, हाउ टू थिंक, ये सब बाकी सब चीज सिखाया, हाउ टू थिंक नहीं आता था ना। तो जब मेरी समझ में आया शिवानी दीदी के प्रोग्राम देखते देखते, फिर मुरली पढ़ते पढ़ते ब्रह्म कुमारी इस क्लास में, ये समझ में आया कि आप जो फीड करते हो फिर आप वो सोचते हो, जो आप सोचते हो फिर आप वो कर्म में लाते हो, और जो आप कर्म में लाते हो वो आपकी डेस्टिनी बनती है ना। तो पहले कुछ बोलते थे यार तेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, आज मैं एक लाइन बोलूंगा बिफोर आई एंड, क्योंकि शिवानी दीदी को सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो सिर्फ आपके लिए एक सैंपल और एग्जाम्पल हूँ यहाँ कि मेरे जैसे आदमी, मतलब ऑलमोस्ट आप नॉर्मल लाइफ में उसको बोल सकते पागल, पागल था कई चीज़ों में, पागल नहीं होता तो घर बार छोड़ के, दुकान मकान छोड़ के, 400 रुपए लेके बंबई की सड़कों पर रातों को ट्रेन में नहीं सोता था एक्टर बनने के लिए। कोई करता है क्या, नॉर्मल इंसान करता है क्या, दुकान मकान बंगला, पीछे घर में स्विमिंग पूल, सामने गाड़ियां, 10 नौकर, सब छोड़ के 400 रुपए जेब में लेके भाग गया हम, कोई नहीं करता है ना। और शादी के 4 दिन बाद घर में बीवी को छोड़ के झूठ बोल के, तो मतलब इतना पागलपन का आपको एक वो दे रहा हूं। बिफोर आई एंड, एक मुझे एक शेर याद आता है, शमशेर पेन को बोल सक बोल तलवार को बोलते हैं, कलम को शमशेर बना सकते हैं हम, कलम को भी तलवार बना सकते हैं हम, पानी पे तस्वीर बना सकते हैं हम, तुम तकदीर की बात करते हो, अरे तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं हम। चलिए तकदीर की तकदीर कैसे बनाएं आपको वो शिवानी दीदी बोलेंगे, लेकिन मेरी एक मस्ट है, जैसे खाना खाने के बाद स्वीट डिश होता है, मैं हर बार एक लाइन सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो क्लास में लास्ट बेंच पे खड़ा हो गया, इंटरवल में वो उसने एक वो क्या लाई, तितली, तितली लाके बोले वाई आर टीचर्स ऑलवेज राइट, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, बताओ ये आई तितली जिंदा है कि मर गई है, टीचर टीचर ही है, गुरु है, इंटेलिजेंट है, बोले मर गई बोलूंगा तो छोड़ देगा, जिंदा है बोलूंगा तो क्या करेगा, मसल देगा, ऐसे इतना ऐसा मसल के मर जाएगी। ही सेड अ ब्यूटी टीचर सेड अ ब्यूटीफुल आंसर, चाइल्ड एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, हर चीज तेरे हाथ में है। अब जो सुनाएंगी दीदी, जो आप यहाँ आए हैं इतनी दूर से सुनेंगे, उसका आप क्या करेंगे वो सब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी का। और अभी इस मंच की सही धनी परम वंदनीय सिस्टर शिवानी बेन को हम माइक हैंडओवर कर रहे हैं।
उसके पहले हमारे मंचस्थ महानुभाव अपना स्थान सभा में ग्रहण करेंगे और आप सभी से एक नम्र रिक्वेस्ट है, इधर उधर कोई भी खड़े न रहें। सिस्टर शिवानी बहन का एक नम्र सूचन है, जो भी हमारे मीडिया में वीडियोग्राफर खड़े हैं वो सभी एक बार अपना कैमरा सेट करके प्लीज़ अपना स्थान नीचे ही ग्रहण करेंगे। जब तक प्रोग्राम चले तब तक कोई भी खड़े नहीं होंगे, ये हम आपसे परमिशन चाहते हैं। आप में से कितनों ने शिवानी बेन को टीवी में देखा है? मेजोरिटी। तो आज न सिर्फ आपको देखने के लिए लेकिन साकार में सुनने के लिए और सम्मुख देखने के लिए उपस्थित हैं। शिवानी बेन का परिचय आप सब वैसे तो टीवी में आपको बहुत समय से पहचानते ही है, ऐसे ही कहे टीवी की आप शहनशाह हो। आपने सन 1994 में पुणे में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में अपनी डिग्री हासिल की गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में, साथ ही साथ आप पिछले 25 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कहे आपकी जिह्वा में देवी सरस्वती बसती है, जो आपके शब्द ऐसा जादू का कमाल करता है, जो इतना ही न सिर्फ लेकिन कईयों की बिगड़ी जिंदगी की तस्वीर और तकदीर बदलने के निमित्त बने हैं आपके शब्द। आपको एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से विमेन ऑफ द डिकेड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप वर्ल्ड साइक्रेटिक एसोसिएशन की ओर से गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी अपॉइंटेड हैं। तो हम अभी ये माइक हैंडओवर कर रहे हैं हमारी सिस्टर शिवानी जी को। सिस्टर शिवानी बहन, सबसे एक छोटी सी परमिशन चाहिए। आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं? ज्ञान तो रोज ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से इकट्ठे होने का एक लक्ष्य होता है कि हम इकट्ठे मिलकर सेम थॉट प्रोसेस क्रिएट करके एक कलेक्टिव एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करें, राइट? तो उसके लिए हम सब की सोच संगठित रूप से एक होनी चाहिए। हम एक दूसरे से मिलने के लिए बैठे हैं, तो जब स्क्रीन ऑन होती है ना साइड की, तो हम एक दूसरे से मिलने के बजाय स्क्रीन को ही देखते हैं। तो अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो स्क्रीन को बंद कर दें। इज एवरीबडी ओके? यस। हम देखने नहीं आए हैं, हम इस जगह की इकट्ठी की हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब करने आए हैं। टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ देखते और सुनते हैं, वाइब्रेशन महसूस नहीं कर सकते एक दूसरे के। और आज हमारे मेजॉरिटी रिश्ते क्यों इतने मजबूत नहीं हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की स्क्रीन के थ्रू बन रहे हैं, सामने सामने नहीं बन रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम स्क्रीन बंद कर देंगे।
कुछ भी देखना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है स्टेज पे देखने के लिए। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, स्क्रीन बंद कर देंगे दोनों। हम कहाँ बैठे हैं, सामने है या दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की ग्रहण शक्ति, ज्ञान की, परमात्मा की ज्ञान की एक बूंद को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले तो भी भाग्य बदल जाता है। उसके लिए ये डिपेंड नहीं करता कि हम नज़दीक बैठे हैं कि दूर बैठे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो नज़दीक बैठा हो वो मन से बहुत दूर हो, लेकिन जो बहुत दूर बैठा हो वो मन से इतना नज़दीक होता है कि वो आगे बैठने वाले के भी बहुत आगे चला जाता है। तो इसलिए फिजिकली कहाँ बैठे हैं डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। हमें आदत पड़ गई है हर चीज़ों को फिजिकल पर देखने की, कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन नज़दीक है, कौन दूर है। फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी है। उस वाइब्रेशन को, उस ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, अपने मन से कोई भी डाउट कि क्यों बंद कर रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं, हमें दिखता, ये व्यर्थ वेस्ट थॉट्स को साइड पे रखते हैं और परमात्मा को शुक्रिया करते हैं उसने हम सबको इकट्ठा किया है। आज इतनी सारी पावरफुल आत्माएं जहाँ इकट्ठी हो जाए ना, सिर्फ अपना नहीं सृष्टि का भाग्य बदल सकता है। आज अपना भाग्य क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे जब अपनी सोच को बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, वातावरण पर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं वातावरण के ऊपर? यस। सो एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। मुझे स्टेज पर फैन नहीं चाहिए। क्या हुआ पीछे, आवाज़ नहीं आ रही है? अभी ठीक हो जाएगी, एक मिनट में ठीक होगी। अपने जीवन को देखते हैं, मेरा भाग्य, हम सब अपने जीवन में एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुझे क्या चाहिए, अपने बच्चों के लिए मुझे क्या चाहिए, ये दुनिया भी मुझे कैसी चाहिए। अपनी स्क्रिप्ट को देखें, क्या लिखा है अपने लिए क्या चाहिए। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। कई बार जीवन हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है और कई बार एक सीन आता है और स्क्रिप्ट ही बदल जाती है। सोचा था कुछ और हो जाता है कुछ और, मांगा था कुछ और मिल जाता है कुछ और। किसी पर बहुत विश्वास करते हैं और वो ही धोखा दे देता है, और किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं और वो हमारे लिए कितना कुछ कर जाता है। कभी बहुत मेहनत करते हैं और सफलता ही नहीं मिलती, और कभी कुछ मेहनत नहीं करते और सफलता मिल जाती है। ये सब कैसे होता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है?
और अगर मुझे आज अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है तो मुझे किसके पास जाना है? ओम शांति। पीछे आवाज आ रही है ठीक से? किसको आवाज नहीं आ रही है? आपको कैसे पता चला मैंने पूछा किसको आवाज नहीं आ रही? कितने प्यार से हाथ उठाते हैं, नहीं हमें आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ी कम आ रही है, आप चेक करें पीछे। हाँ, मन को शांत करेंगे तो आवाज कम जरूरत पड़ती है। अंदर जब बहुत कुछ चलता है तो वैसे भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि अपने ही संकल्प सुनाई दे रहे होते हैं। अभी जो पीछे बैठे हैं ना, उनका मन अभी भी ये चल रहा है, इतनी दूर बिठाया और स्क्रीन भी बंद कर दी, उस थॉट को हटा दो, आवाज अच्छी आएगी उसके बाद। सारा खेल इस दुनिया का है, इस दुनिया में क्या चलता है। लेकिन हमें एक छोटी सी आदत पड़ गई है आजकल कि बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उसी के अनुसार हम अंदर सोचना शुरू करते हैं। तो जैसी परिस्थिति वैसे ही हमारी मन की स्थिति बन जाती है। राइट है इक्वेशन? जैसी परिस्थिति वैसे ही हमारे मन की स्थिति बन जाती है। अगर मेरी परिस्थिति मेरे अनुकूल है, इफ माई सिचुएशन इज द वे आई वॉन्ट इट टू बी, तो मेरा मन खुश। और अगर मेरी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है तो फिर मेरा डिस्टर्ब होना तो डिस्टर्ब होना तो क्या है? डेफिनेट है। अच्छा, तो अगर मेरी परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो तो मेरा डिस्टर्ब होना तो पक्का है। अच्छा, निश्चित है। और शब्द कौन से है? पक्का है, डेफिनेट है, निश्चित है, और क्या है? अच्छा, नॉर्मल है। फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी उसके बाद तो, क्योंकि ये डिस्टर्ब होना ही नॉर्मल है। और कोई वर्ड? नेचुरल भी है, फिर तो और भी इजी हो गया कि ये तो नेचुरल है, तो और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब हाँ जी, अच्छा जरूरी भी है। हमारी वोकैबुलरी बहुत इम्पोर्टेंट है। परिस्थिति अगर मेरे अनुसार नहीं तो डिस्टर्ब होना डेफिनेट है, नॉर्मल है, नेचुरल है, एंड फिर भी कुछ ठीक नहीं लगे तो उन्होंने कहा नेसेसरी है। मतलब अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर इतना ही नॉर्मल नेसेसरी है तो फिर तो जीवन बहुत इजी है कि परिस्थितियां अलग अलग आती जा रही हैं, कुछ हमें पसंद हैं तो हम ठीक हैं, कुछ नहीं पसंद है तो हम डिस्टर्ब्ड है, फिर तो जीवन ठीक ही चल रही है। डिस्टर्ब होते जाओ, जीवन बिताते जाओ, फिर यहां क्यों आए क्रिएटिंग माई डेस्टिनी के लिए? फिर क्या चेंज करना है? डिस्टर्ब होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और फिर कहते हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। मतलब पकाएंगे डिस्टर्बेंस लेकिन खाना है खुशी, क्रिएट करेंगे डिस्टर्बेंस लेकिन एक्सपीरियंस करना है पीस। लेकिन हम सोचते हैं मुझे शांत रहने के लिए परिस्थितियां ठीक हो जाएं। तो अब जो सबसे पीछे बैठे हैं, अगर स्क्रीन ऑन हो जाए तो वो खुश, और अगर स्क्रीन ऑफ हो जाए तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ सिस्टम। अब पीछे लगभग 200 भाई बहने बैठे हैं, ये सिचुएशन है,
ये हम लोग हैं, एक स्क्रीन है, परिस्थिति बंद हो गई, 200 लोग बैठे हैं, सारे 200 लोग इक्वल डिस्टर्ब होंगे, राइट राइट. परिस्थिति उनके लिए सेम है, वो पीछे बैठे हैं, स्क्रीन बंद है, परिस्थिति है, डिस्टर्ब होना नॉर्मल है. तो सारे 200 भाई बहने जो पीछे बैठे हैं वो एक जैसा डिस्टर्ब होंगे, राइट नो? थॉट अलग अलग होगा. तो स्क्रीन की वजह से डिस्टर्ब हुए, मैंने बंद किया इसलिए डिस्टर्ब हुए, या अपनी सोच की वजह से डिस्टर्ब हुए? तो मतलब स्क्रीन ऑन हो या बंद हो, काम तो सारा किसने करना है? तो पीछे से बैठकर प्यार से एक थॉट क्रिएट करो कि अगर बहन ने कुछ कहा है तो अपने अनुभव से ही कहा होगा, आज हम उसको ट्रस्ट कर लेते हैं, हम आए हैं यहाँ पर. तो क्या हो जाएगा, मन रोना बंद कर देगा अंदर. नहीं तो 1.5 घंटा बैठेंगे लेकिन वो अंदर से बोलता ही जाएगा, फायदा क्या है, दिखता तो है नहीं, पीछे बैठे फायदा क्या, दिखता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, देखने जैसा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा स्टेज के ऊपर. लेकिन जब मन अंदर बोलता जाएगा कुछ और, तो कितना भी ज्ञान यहाँ आ जाए मन उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मन तो अंदर कुछ और ही बोल रहा है. और जितनी देर हमारा मन वो बोलता है, हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज, तो आज तो सारी वाइब्रेशन मेरे पास ही आने वाली है उनके डिस्टर्ब होने की वजह से. तो हम किसी ना किसी पर उंगली रखते हैं कि आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ ये 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 ये. और जैसे ही हमने कहा आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ somebody, मैंने अपने मन को डिस्टर्ब रहने की परमिशन दे दी. फिर जो साथ में बैठे उनसे कहा स्क्रीन बंद की, तो इरिटेशन तो होगी ना? तो सामने वाले ने कहा ऑब्वियसली इरिटेशन होगी, स्क्रीन बंद कर दी तो. तो सामने वाले, हमारे आस पड़ोस, हमारे परिवार, हमारे संबंधी हमारे डिस्टर्बेंस को क्या कर देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं कि ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी. और हमारे साथ उनका इतना प्यार होता है कि हमारे साथ बैठकर वो भी डिस्टर्ब होते हैं. आई लव यू सो मच, आई कैन फील योर पेन. तो आप अगर दर्द में हो तो आपके साथ मैं भी दर्द में हूँ. तो एक दर्द में गया, दूसरे ने ज्वाइन किया, 5 और ऐड हुए, 4 और बने, घर में फैला, शहर में फैला, देश में फैला, विश्व में फैल गया. आज हम में से मेजॉरिटी इस प्लैनेट पे डिस्टर्ब्ड है. ये कलयुग को, इस डिस्टर्ब्ड कलयुग को किसने बनाया, हाथ उठाइए, किस किसने कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने में. सभी की बात नहीं करेंगे, अपने को अपनी अपनी बात करनी. मैंने कंट्रीब्यूट किया, आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? कलह, कलेश, डिस्टर्बेंस, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, जेलेसी, ये सब हमने यहाँ से क्रिएट किया, यहाँ उसको फैलाया, औरों ने अब्सॉर्ब किया, और उन्हें भी क्रिएट किया. और हम इतनी स्थिति तक आकर पहुंच गए कि हम इन बीमारियों को नॉर्मल कहने लग गए. डिस्टर्बेंस नॉर्मल, तनाव नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, जेलेसी नॉर्मल, डर लगना नॉर्मल, इनसिक्योरिटी नॉर्मल, खुशी खुशी दोनों तो नॉर्मल नहीं हो सकते ना. एक नॉर्मल होगा, दूसरा अब नॉर्मल होगा. हेल्थ नॉर्मल या डिजीज नॉर्मल? हेल्थ नॉर्मल या डिजीज नॉर्मल? स्वास्थ्य नॉर्मल, बीमारी नॉर्मल, क्या नॉर्मल? हेल्थ नॉर्मल. लेकिन क्योंकि आज हम में से मेजॉरिटी को कुछ छोटा बड़ा दर्द, ये वो, ब्लड प्रेशर छोटा छोटा है ही, तो अगर अभी कोई खड़ा होकर कहे कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ है, मुझे आज तक 100 बुखार भी नहीं हुआ कभी, मैंने कभी एक खांसी भी नहीं आई, मैंने आज तक कभी गोली भी नहीं खाई, तो सब उसको देखेंगे, कहेंगे बड़ा अजीब है, कभी बीमारी नहीं हुआ ये तो. बिकॉज इट इज हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ अस,
तो जो हेल्दी है वो अजीब लगेगा, जो बीमार है, कोई कहे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे, हम कहेंगे नॉर्मल है जी, आजकल कोई बात नहीं, डायबिटीज़ बहुतों को होता है. हैज़न्ट इट बिकम लाइक दैट? तो बीमारी को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया और हेल्थ को, तो गुस्से को, डिस्टर्बेंस को, तनाव को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया, शांत रहने को, खुश रहने को अबनॉर्मल कभी कभी, और फिर उसको ढूंढने के लिए बाहर गए कि कौन हमको देगा, कहाँ से हमको मिलेगा, क्या कमाने पर हमको मिलेगा, क्या पाने पर हमको मिलेगा, किससे मिलने पर मुझे शांति, खुशी और प्यार मिलेगा. क्योंकि हमने सोचा जैसी परिस्थिति वैसे मेरी मन की स्थिति. राइट है? राइट है इक्वेशन? जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति. अग्रीड? अच्छा, हाउ मेनी अग्री जैसी सिचुएशन वैसी मेरी मन की स्थिति, एंड हाउ मेनी अग्री कि कैसी भी परिस्थिति मेरी सोच मेरी चॉइस है. पीछे? तो अगर स्क्रीन बंद किया आप खुश रह सकते हैं? अभी हाथ उठाना जरा अच्छे से. थैंक यू सो मच. लेट अस स्टॉप ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस. होता क्या है, जैसे ही हमने ब्लेम किया किसी को, इनकी वजह से मैं अपसेट, इनकी वजह से मैं नाराज, इनकी वजह से मैं इरिटेटेड, हम अपनी पावर, अपनी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं. आपका व्यवहार मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल कर रहा है. अब चेक करें हमारा रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के हाथ में है, किस किस का व्यवहार हमारी मन की स्थिति को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकता है. कितने लोग हैं आपकी लिस्ट के अंदर? कितने लोग हैं आपकी लिस्ट के अंदर? बहुत सारे लोग हैं. सिर्फ सड़क पर चलते हुए अगर कोई गाड़ी अपनी ठीक से ना चला ले तो भी उसको देख देख के भी हम अपसेट होते रहते हैं. हमारे पास सेंटर पर पिछले हफ्ते एक कपल आया, तो वो वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड पूरा रास्ता रास्ते वाले लोगों को चलाते हुए गाली अंदर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं. दिल्ली शहर है, गर्मी इतनी है, खिड़की बंद है, दुख सुनाई किसको देता है सारा. कहती दे उनको रहे, सुन तो मैं ही रही हूँ. आदत पड़ जाती है करने की, आदत पड़ जाती है. एवरी टाइम कोई गलत जाएगा, एवरी टाइम कोई हॉर्न ज़्यादा बचाएगा, वी गेट इन टू द हैबिट. लेकिन हर बार जब हम वो कर रहे हैं हम कह रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ. क्या ये पॉसिबल है कि हम वो सड़क पर अपनी गाड़ी में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे, हमारे आसपास कुछ लोग ठीक नहीं चला रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मन डिस्टर्ब हुए बिना अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? कौन कौन कर सकता है? वेरी गुड. तो अगर सड़क पर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं तो जीवन में भी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, इवन अगर आसपास कुछ भी कोई कर रहे हो. अ जर्नी ऑन द रोड एंड अ जर्नी इन लाइफ इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. दूसरे अपनी गाड़ी कैसी भी चलाएं, आसपास किसी की तो ब्रेक भी फेल हो गई हो, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो, हमें सिर्फ ध्यान किस पर रखना है कि मुझे अपनी गाड़ी को बचा कर निकल जाना है. लेकिन अगर हम खड़े हो गए उनको वहां ज्ञान सुनाने के लिए, गाड़ी ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चलाना, तो उतनी देर में तो क्या हो जाएगी? टक्कर. अगर हर एक अपनी गाड़ी सिर्फ ध्यान से चला ले तो जीवन बड़ी सुंदर हो जाने वाली है. तो हमारे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? हमारी सोच, हर सोच किस पर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है? किसी भी सिचुएशन में, एनी सिचुएशन में, क्या हमारी थॉट्स की हमारे पास चॉइस है कि हम अंदर क्या सोचेंगे? यस, यस. यहाँ कोई खड़ा है, आपकी फैमिली मेंबर है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर, गलत भाषा भी यूज़ कर रहे हैं,
झूठा ब्लेम भी लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। क्या हमारे पास चॉइस है कैसा फील करना है? क्या हमारे पास चॉइस है कैसा फील करना है? यस, कितने ऑप्शंस है हमारे पास? कोई हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार करे, वन ऑप्शन, हम भी सेम कर सकते हैं वापस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एनर्जी, कि जो एनर्जी यहां से आई वही एनर्जी वापस भेजती, रिफ्लेक्ट। तो दैट इज वन थिंग वी कैन डू विद एनर्जी, जो सामने से आया वही उनको वापस भेज दिया। दूसरी चीज, वो वहां से गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम ऊपर से उनको कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर रोते जाएंगे। तो हमने उनकी एनर्जी को क्या किया, अब्सॉर्ब कर लिया। पहले वाले में क्या किया था, हमने उनकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया था। दूसरे में क्या किया, हमने उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर दिया। एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तीसरा एनर्जी को वो वहां से गलत कर रहे हैं, हम शांत रहकर परमात्मा को याद करके उनको दुआएं दें ताकि उनका भी अंदर का दुख और चोट और दर्द ठीक हो जाए। ताली बजाने के बजाय पहले अपने आप से पूछो, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, रिफ्लेक्टिंग एनर्जी, अब्सॉर्बिंग एनर्जी। जैसा उन्होंने किया वैसा उनको व्यवहार वापस, दूसरा जैसा उन्होंने किया अंदर सोच सोच के बुरा लगना, चोट लगना, रोना, अब्सॉर्ब एनर्जी, तीसरा उन्होंने कुछ भेजा, हमने कंप्लीटली कुछ और वापस भेज दिया। उन्होंने भेजी अब्यूजिव लैंग्वेज, हमने वापस की दुआएं, ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी। कर सकते हैं क्या ऐसा? कर सकते हैं क्या ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, होता है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। लॉजिकली क्या लगता है, पॉसिबल है कि नहीं अभी हमारे लिए, या हम करते आए कि नहीं, वो भी सेकंड। क्या ये पॉसिबल है, क्या हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, हो सकता है, विच मीन्स उसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है काम। क्यों? क्योंकि वो वहां कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मुझे तो यहां सोचना है। वो शोर मचा सकते हैं लेकिन मेरी सोच वो नहीं क्रिएट कर सकते, है ना? Somebody can cheat us. कोई हमें धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, कोई हमें फिजिकली भी मार सकता है। उतनी भी पावर किसी के पास हो सकती है कि कोई मुझे फिजिकली मारे, लेकिन इमोशनली कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अंदर कोई नहीं घुस सकता है यहां पर मेरे मन के। वहां सिर्फ किसकी पावर चलती है? वहां सिर्फ किसकी पावर चलती है? Only and only and only self. लेकिन क्योंकि हमें अपनी पावर पता नहीं थी, तो हमने अपनी पावर यूज करनी बंद कर दी और हमने कहा वो इस तरह से मुझसे बात करेंगे तो obviously I will get hurt. बोलने लगे ना ऐसा हम, obviously I will get hurt. जैसे ही मैंने कहा obviously मुझे बुरा लगेगा, मैंने अपनी शक्ति कुछ और सोचने की यूज ही नहीं की। फिर कोई एक आया, उसने कुछ किया, दूसरा आया, उसने कुछ किया, तीसरा आया, उसने कुछ किया, और मैंने कहा ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट, ऑब्वियसली आई विल गेट अपसेट, ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री। भाग्य ही बदल गया। फिर मेरे भाग्य में आ गई अशांति, नाराजगी, कुछ कुछ बीमारियां, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाग्य में आ गया रिश्तों में गांठें। गांठ तब बनती है जब हम सामने से आई हुई एनर्जी को या तो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं या अब्सॉर्ब कर देते हैं, रिश्ते में गांठ बन जाती है। लेकिन सामने से आई हुई एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दो, बनी हुई गांठें पहले की भी खुल जाएंगी वापस। ये पावर हमारे पास है। एक किसी के रिश्ते को परिवर्तन करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं है, एक अपनी सोच को बदल ले, रिश्ता बदल जाएगा। एक को अपनी सोच को बदलना है। हमें क्या लगता है हम दोनों कुछ करेंगे तो रिश्ता ठीक होगा? नो,
It does not need two people to change a relationship. It only needs एक जना अपनी सोच को बदल ले. ये यहाँ से गलत भेजते जाएं, मैं यहाँ से अच्छा भेजते जाऊँ, भेजते जाऊँ, भेजते जाऊँ, भेजते जाऊँ. अगर उन पर असर हुआ बहुत बढ़िया, नहीं भी असर हुआ, मेरे पर उनका असर तो नहीं हुआ ना, तो फिर मेरे घर में एक ही बीमार रहा ना. लेकिन आज अगर एक बीमार आया घर में यहाँ पर और बाकियों ने सिर्फ रिफ्लेक्ट कर लिया या ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो बहुत जल्दी उस घर में एक बीमार नहीं, सारे बीमार हो जाते हैं और घर का वातावरण दुखी, अशांत, परेशान, कलह कलेश रोज होने लगता है. अब पॉसिबल कैसे करेंगे इसको कि यहाँ से कोई ऐसा करे और मैं उसके लिए अच्छा सोचूं? क्या करना है उसके लिए? मेहनत क्या है? क्या मेहनत है? किसी को अपने सामने लेकर आइए अभी, जिसने कभी ना कभी जीवन में आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया है. कोई को भी लेकर आ जाओ सामने. वैसे हमारे वो मन पे रहते ही हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ढूंढने में. हम ज़्यादा याद उनको ही करते हैं. They live on our mind actually. आ गए सामने? दिख गया? यस. अब हमने क्या किया था, जैसा उन्होंने व्यवहार किया था, हमने अपनी सोच चेंज करने की पावर यूज नहीं की थी. हम हर्ट हो गए और हमने कहा दे हर्ट मी. हमने यहाँ पर एक चोट क्रिएट की, दे हर्ट मी, पकड़ ली. अब ये बात साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो, वो चोट को हमने क्या किया हुआ है, वहाँ पर पकड़ के रखा है. अब क्योंकि मैंने चोट को पकड़ के रखा हुआ है, अब थोड़ा सा भी कोई कुछ कहता है तो वो चोट के ऊपर स्क्रब होता है, मुझे दर्द और होता है. अब क्योंकि उसी चोट पर बार बार रब होता है, अब वो चोट क्या होने लग गई है, बहुत डेलिकेट है. अब तो किसी को कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे सिर्फ ऐसे ही देख ले, बोलो ऐसा देखा मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट के. अब तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे फेसबुक पोस्ट पे कोई लाइक ना करे कल सुबह, मैं हमेशा उनके पोस्ट पे लाइक करती हूँ, इन्होंने मेरी लाइक नहीं की मेरी फोटो को, दे डिसरिस्पेक्टेड मी. बहुत सालों की लगी हुई चोट अब इस पॉइंट पर आकर पहुंची है कि सामने वाले को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और हम हर्ट हो रहे हैं. एंड एवरी टाइम वी आर सेइंग दे हर्ट मी, दे इंसल्टेड मी, दे डिसरिस्पेक्टेड मी. ये रिकॉर्ड हो जाएगा यहां, ये हमारे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है. छोटी छोटी बातों में उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया. एक क्षण आएगा मैं आत्मा ये शरीर छोड़ दूंगी, वो लोग जिन्होंने वो किया था वो भी पीछे रह जाएंगे, वो रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे, वो बातें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक चीज खत्म नहीं होगी, वो रिकॉर्डिंग जो मैंने यहां की वो मेरे साथ चली जाएगी. अब वो बच्चा पैदा होगा, 2-3 साल का होगा, उसके घर में कुछ थोड़ा सा कोई कहेगा, वो कहेगा यू हर्ट मी. वो बैकग्राउंड म्यूजिक वो कहाँ से रिकॉर्ड करके लाया था, वो बैकग्राउंड म्यूजिक वो कहाँ से करके आया था रिकॉर्ड, पिछली बार से. एक ही चीज है, पिछले हफ्ते 31 मार्च आया, हर एक की बैलेंस शीट क्लोज हुई, अगले दिन सुबह सुबह वही बैलेंस शीट जो पिछले दिन शाम को क्लोजिंग कही गई थी, वही अगले दिन सुबह सुबह ओपनिंग बैलेंस शीट कहा गया, उसी बैलेंस शीट को. कुछ नहीं बदला उसके अंदर. एक क्षण वो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, अगले क्षण वो ओपनिंग बैलेंस शीट थी. एक क्षण वो हमारी मृत्यु है, अगले क्षण वो किसी बच्चे के पैदा होने पर उसकी जन्म पत्री, उसके अगले जीवन का भाग्य है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसकी. बीच में कोई चेंज नहीं करने वाला है उस बैलेंस शीट को. तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में? सब कुछ पीछे रह जाएगा.
ये सारे छोटे छोटे झगड़े जो हम करते हैं ना सारा दिन, इसने ये किया, उसने वो किया, उससे भी बात नहीं करो, उससे भी बात नहीं करो। कोई शरीर छोड़ने का समय आता है, अपने बच्चों को बोलते हो उनसे बात नहीं करना, जीवन भर मेरे को बहुत तंग किया, मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, तो जाते जाते भी कौन सी ट्रांजैक्शन लिख देते हैं बैलेंस शीट में। अंतमति सो गति, अंतमति कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट वही बनने वाली है। अगर एक क्षण भी ऐसा बैठ के सोचा ना, तो जीवन के मेजॉरिटी बातें, झगड़े, गांठे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। कि एक ही चीज है जो मुझ आत्मा के साथ जाने वाली है। जब हम जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, लोग कहते क्या लेकर गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। सच है? सच है? नहीं। जो दिखता है वो ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, जो नहीं दिखता है वो है संस्कार और मेरे कर्म। वो बच्चा लेकर भी आया था, फिर लेकर भी जाएगा, लेकिन पूरे जीवन काल में हमारा ज्यादा अटेंशन बाहर जो हो रहा है उसके ऊपर है। अगर आज शाम को पता हो कि आज शाम को शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे आज दिन में, क्या करेंगे आज दिन में? अगर पता हो आज शाम को क्लोजिंग बैलेंस है, कौन सी ट्रांजैक्शन डालेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है 31 मार्च से पहले पहले कितना कितना करते हैं, 31 मार्च से पहले सबसे मुश्किल पीरियड चल रहा होता है, बहुत कुछ सेटल करना है 31 मार्च से पहले। नहीं सेटल किया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे असर पड़ जाता है उसका। तो आज शाम को मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ना है, 5 घंटे बचे हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, क्या करेंगे? 5 hours लेफ्ट शरीर छोड़ने के लिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, फॉरगिव करेंगे। किसको फॉरगिव करेंगे? जिस जिसके साथ कुछ हुआ था तो उनको भी फॉरगिव करेंगे। किसी से फॉरगिवनेस मांगनी है वो भी तो कर लेंगे, तो क्षमा कर भी देंगे, क्षमा मांग भी लेंगे, शुक्रिया भी करेंगे, थैंक यू नहीं करेंगे सबका? हाँ, तो वो सब कुछ जो आज शाम को 5 बजे जाने से पहले करना है वो रोज ही कर देना चाहिए, क्योंकि पता कर तो आएगा नहीं हमारा 31 मार्च। हमारा 31 मार्च तो किसी क्षण आ सकता है। इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट कि हमारा हर दिन जीवन का हम ऐसा जिए रेडी टू लीव। अगर इस समय जाने का समय आ गया, मेरी सारी ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? कोई पेंडिंग कार्मिक अकाउंट नहीं जो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करने वाला है। अगर मेरा इनके साथ कुछ हुआ है गड़बड़, अभी तो मुझे पता है मैं कौन, ये कौन, गड़बड़ क्या की हम दोनों ने, किस बात पे हमारा झगड़ा हुआ, तो अभी हम बात करके उसको फिर भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझ आत्मा ने अभी शरीर छोड़ दिया, नया शरीर लिया, मुझे ये नहीं याद होगा मैं कौन, मुझे ये नहीं याद होगा ये कौन, मुझे ये नहीं याद होगा कि हम दोनों ने गड़बड़ क्या की थी, लेकिन जब हम दोनों मिलेंगे तो कुछ कुछ ऐसा करने लगेंगे कि मन में फिर ये क्वेश्चन आएगा, इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। आता है कि नहीं थॉट ऐसा, मैंने इनके साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने इनको कभी गलत नहीं बोला, मैंने इनके लिए इतना किया इतना किया इतना किया, इनको फिर भी मुझसे प्रॉब्लम है, तो हमें वही लोग गलत लगते हैं। वो वाली प्रॉब्लम है जो पिछली बार पेंडिंग रह गई थी। इसीलिए हर रोज की गांठों को रोज ही खोल देना, और फिर गांठे खोलने की इतनी आदत पड़ जाएगी कि गांठे बनेंगी नहीं।
बनेंगे नहीं, लेकिन जब बात कुछ होती है उसको पकड़ते हैं और फिर अपने आप को आशीर्वाद देते हैं, ये बात ना इनकी मैं जीवन भर नहीं भूलने वाली हूँ, विच मीन्स आई हैव नो प्लान टू ओपन द नॉट. जब हमारे शरीर को लेके जाया जाएगा ना वहाँ जलाने के लिए, तो पंडित जी पता क्या कहते हैं, पंडित जी वहाँ एक डंडा देते हैं, छोटा सा देते हैं ना, और उसको क्या कहते हैं, इस डंडे को तोड़ो, मतलब इसका यहाँ से सारा कनेक्शन खत्म. लेकिन तब तक तो हम ऑलरेडी चले गए होते हैं आगे, वो तो हमारे शरीर के सामने डंडे तोड़ रहे होते हैं, हम तो अपनी गांठे लेकर चले भी गए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर. तब तक वो सब सिंबॉलिक है कि डंडे तोड़ो. ये डंडे कब तोड़ने होंगे, शरीर छोड़ने के बाद नहीं टूटेंगे डंडे, वो तो दूसरे डंडे तोड़ रहे होते हैं हमारे लिए. हमें ये डंडे कब तोड़ने होंगे, हमें ये डंडे हर क्षण, ये गांठ खोलो तोड़ो. क्या बातों में उलझ के रख, इतना उलझ 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 उलझ, खुद भी परेशान, परिवार को भी वो वाइब्रेशन देते हैं परेशान, और फिर खुशी ढूंढते हैं. जैसा कर्म वैसा फल, बचपन से सुना, मालूम भी है, बिलीव भी करते हैं. अगर मानते हैं, जानते हैं, बिलीव करते हैं, तो उसको जीना भी तो है कि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है. भगवान हमारा भाग्य लिखता है या मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है? हाँ जी, भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है बोलते हैं हम. लिखता है या नहीं लिखता, लिखता है भगवान हमारा भाग्य या नहीं लिखता? कभी भी स्टॉप करके चेक करना चाहिए कि अगर भगवान इस सृष्टि का भाग्य लिख रहा होता और भगवान हम सब का भाग्य लिख रहा होता, तो ब्रदर आर्मी तो होती ना, आर्मी तो होती ना, जुडिशरी तो होती ना, डॉक्टर तो होता ही ना. क्योंकि अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो युद्ध होता ही ना, बीमारी होती ना, तो आप सबका प्रोफेशन तो होता ही ना. अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो बीमारी लिखेंगे उसके लिए? आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो युद्ध लिखेंगे उसके भाग्य में? नहीं लिखेंगे. आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो डिवोर्स लिखेंगे उसके भाग्य में? नहीं लिखेंगे. वो हमारा भाग्य लिखेगा तो ये सब लिखेगा जो आज होता है? कभी नहीं लिखेगा. आप अपने दो बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो किसी का ज़्यादा अच्छा किसी का कम अच्छा लिखेंगे क्या? दोनों का कैसा लिखेंगे? एक जैसा लिखेंगे, परफेक्ट लिखेंगे. वो हमारा भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और सबका एक जैसा लिखेगा. किसी को इतना और किसी को कम ऐसा भाग्य नहीं लिख सकता भगवान. वो भगवान है. हम इंसान भी भेदभाव नहीं करेंगे बच्चों के बीच, तो वो कैसे करेगा? आज किसी के टेरेस पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कोई रोड पर जाके खाना ढूंढ रहा है, ये भाग्य है? ये भाग्य लिखेगा वो ऐसा? कोई 100 साल तक निरोगी है और कोई बच्चा पैदा ही बीमारी के साथ हुआ है, ये कितना भाग्य में अंतर है? तो ऐसा भेदभाव न मनुष्य मात पिता करते हैं, न परम पिता कर सकता है. वो नहीं कर सकता ऐसा. लेकिन अगर मेरा भाग्य मेरे कर्मों के अनुसार है, तो मेरे बहुत सारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कुछ एक कर्म में छोटी छोटी गलती की, तो मेरे भाग्य में भी बहुत अच्छी चीज़ें आईं, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आ गई. कर्म हमारे एक जैसे नहीं हैं, कर्म हमारे एक जैसे नहीं हैं, तो फिर भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं है. तो कौन सा बिलीफ सिस्टम ठीक लगता है, सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है या सब कुछ मेरे कर्मों का फल है? श्योर? पक्का पक्का? तो जब नेक्स्ट टाइम माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहाँ जानी? किसकी मर्जी से बना ये भाग्य, बोल दो एक बार. वेरी गुड. ये मेरी मर्जी से बना हुआ भाग्य है.
अब इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? आजकल हम बहुत लोगों के पास जाते हैं अपना भाग्य थोड़ा मॉडिफाई कराने के लिए। राजकोट में जाते जाते जाते, अगर अभी सामने के हॉल में कोई बैठे कि मैं आपका हाथ देखकर भाग्य बता सकता हूँ, फिर देखना पड़ेगा इस हॉल में कितने और उस हॉल में कितने जाएंगे। बहुत ध्यान से जीवन जीना है। इन्फॉर्मेशन है, हम ले लेते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये जानना चाहते हैं कि भाग्य अपनी चॉइस का बनाना चाहते हैं? कौन सा बेटर है? चॉइस का बनाना। कहीं भी बहुत ध्यान रखना है इस बात का। चलते चलते किसी से भी पूछ लेते हैं क्या लिखा है, सुन लेते हैं बात को। हमें लगता मैंने ऐसे ही पूछा, मैं बिलीव नहीं करता, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही भी पूछ लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, अंदर बैठ गई, सबकॉन्शियस से वो इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है। थोड़े दिन पहले एक मदर मिली, वो ऐसे ही अपने बच्चे को कहीं लेकर गई थी, सामने वाले ने कह दिया आपके बच्चे की आयु तो सिर्फ 10 वर्ष तक है। अब सोचो कैसे निकालोगे चित्त से इस बात को, कैसे निकालेंगे? इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आपको आज पता चले कि 3 महीने के बाद आपका कोई बहुत नज़दीक का व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ आपको, प्रेडिक्शन, चलिए आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन ले ली, घर आए, अब क्या होना शुरू होगा? छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि somebody वेरी क्लोज टू यू, कौन है वो somebody वो भी नहीं पता, रिश्ता कौन सा वो भी नहीं पता, इतना ही लिखा है कि somebody क्लोज टू यू आपके नज़दीक धोखा देने वाला है, आप ना ध्यान से रहना। आ गए घर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, वो झूठ नहीं है बात, वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बात सच है। लेकिन सुनने के बाद जब हम घर आ गए, अब क्या होने लगेगा? नहीं नहीं, वो सिचुएशन तो 3 महीने बाद ही होनी है, पहले नहीं हो जाएगी। लेकिन 3 महीने पहले टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो सकती है, सिचुएशन तो 3 महीने बाद ही आने वाली है। प्रेडिक्शन राइट है, लेकिन प्रेडिक्शन का इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर कि 3 महीने पहले से तनाव, एंग्जाइटी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाउट। अब धोखा देना है किसी एक ने, रिश्ते हैं मेरे 10, तो अब मैंने 10 को डाउट की नज़र से देखना शुरू कर देना है। ये है कि ये है, आज ये वहाँ गए मुझे बता के नहीं गए, ये तो नहीं है वही वाले जो उन्होंने कहा था। 3 months life can become very difficult here. इस 3 महीने के अंदर ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लग जाएगी? डिस्चार्ज। 3 महीने के बाद वो जिसने छोटा सा कुछ कर्म करना था धोखा देने का, वो कर देंगे, कोई बात नहीं, सारा दिन में बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन हमारी उस बात को फेस करने की ताकत 3 महीने के अंदर ही क्या हो गई थी? खत्म। तो 3 महीने के बाद आई हुई परिस्थिति का हमारे ऊपर असर ज्यादा होता है, क्योंकि उस 3 महीने के अंदर हम कमजोर हो गए थे। अगर हमें वो बात ना पता होती तो हमारी बैटरी जहां थी वहीं थी, वो आते अपना कर्म करते, हम उसको फेस कर लेते। अगर हमें वो बात ना पता थी और 3 महीने हम मेडिटेशन कर रहे होते, ज्ञान सुन रहे होते, योगा कर रहे होते, हमने उतने 3 महीने में उस बैटरी को क्या कर लिया होता? चार्ज कर लिया होता। वो आते, वो धोखा देते, हमें कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि हमारी तो पावर ही इतनी बढ़ गई थी 3 महीने में। तो प्रेडिक्शन मत, सामने से क्या होने वाला है इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज हर मकान बनता है तो एक उसकी फाउंडेशन बनती है, ये प्रेडिक्शन नहीं होती। अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, सुनामी आएगा तो क्या होगा, ये आएगा। फाउंडेशन स्ट्रांग बना लो, कुछ भी आएगा। हमारा फाउंडेशन,
हमारे मकान को क्या करेगा? मजबूत रखेगा. इट्स ओनली अ प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ रियलिटी. प्रेडिक्शन को रियलिटी बनाना, प्रेडिक्शन को रियलिटी बनाना, वो पावर किसकी है? वो पावर किसकी है? वो पावर हमारी है. आज आप अपना हेल्थ चेकअप करते हैं, डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखता है, आपकी लाइफ हिस्ट्री पूछता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है और आपको कहता है इस रिपोर्ट के हिसाब से और आपके परिवार की हिस्ट्री देखते हुए अगले 6 महीने में आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है, क्योंकि आपका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर आ चुका है. वो बिल्कुल 100% राइट है. किस आधार से राइट है? आज की लाइफस्टाइल, आज की ब्लड रिपोर्ट. आप घर जाते हैं, कोई कहते हो मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है, टेंशन क्रिएट करता है, 6 महीने से पहले ही हो जाती है. और आप घर जाते हैं और बोलते हैं अभी तो सिर्फ बॉर्डर लाइन पे है, अभी हुआ थोड़ी है, आज से सब कुछ चेंज, खाना पीना चेंज, एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन. कब होगा आपको डायबिटीज़? कब होगा आपको डायबिटीज़? फिर उस प्रेडिक्शन का क्या होगा? वो साइंटिफिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी, उसका क्या होगा? वो प्रेडिक्शन थी उस दिन की लाइफस्टाइल के हिसाब से. लाइफस्टाइल चेंज कर दी, रियलिटी बदल गई. प्रेडिक्शन सच थी, रियलिटी हमने क्रिएट करनी थी. आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड आप किस आधार पर बताते हैं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा? तो उन्होंने कहा जन्मपत्री. तो मैंने बोला जन्मपत्री तो पहले दिन बनी थी, ये जीवन में किए हुए कर्मों का क्या? अगर मैंने कुछ गलत ज़्यादा कर दिया या मैंने अच्छा ज़्यादा कर दिया, ये तो बदल जानी चाहिए ना बैलेंस शीट मेरी. वो तो इतने साल पहले की पुरानी बैलेंस शीट है. तो उन्होंने कहा, कहते हैं कोई हमसे ये सब बात करने नहीं आता है, सीक्रेट. सब हमसे सिर्फ यही पूछने आते हैं, बिजनेस में क्या होगा, शादी कब होगी, बच्चे की तबीयत ठीक, यही सब पूछते हैं. तो मैं बोला ठीक है, पर ये किस आधार पर? कहते आत्मा के संस्कारों के आधार पर. तो मैंने कहा अगर संस्कार बदल लिए? कहते मेजॉरिटी लोग अपने संस्कार नहीं बदलते हैं, जो संस्कार लेकर आते हैं वही संस्कार के साथ आगे जाते हैं, इसलिए उनकी बैलेंस शीट मतलब उनकी जन्मपत्री राइट प्रूफ होती है. मैंने कहा अगर कोई अपने संस्कार बदल ले, एंड मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स उनके आपको बता रही हूँ, कहते अगर किसी ने अपने संस्कार बदल लिया, एक संस्कार भी अगर बदल लिया, तो ये डॉक्यूमेंट उसके लिए वैलिड नहीं है फिर उसके बाद, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन राइट नहीं निकलेगी. क्योंकि जन्मपत्री मतलब क्या? ग्रहों का प्रभाव हमारे संस्कारों के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर. लाइफस्टाइल ही बदल गया, संस्कार ही बदल गया, तो भाग्य तो बदलना ही है. तो सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? हमारे पास. हम अपनी पावर को पहचानते नहीं, यूज नहीं करते रहते और कैसे होते जा रहे हैं फिर ऐसा? फिर औरों को सारा दिन पूछ रहे हैं मैं इस दिन बिजनेस करूं या इस दिन करूं, इससे करूं या इससे करूं, नाम ये रखूं या वो रखूं, ट्यूसडे को करूं या मंडे को करूं, 9 बजे करूं या 10 बजे करूं. कंप्लीटली लूजिंग पावर. शुभ दिन, शुभ समय और जन्मपत्रियां मिला के ही शादियां की जाती हैं मेजॉरिटी. फिर कोर्ट में डिवोर्स तो नहीं होना चाहिए किसी का? सब मैच करके ही किया था ना, सब देख कर किया था, सब राइट टाइम पर किया था, फिर क्यों डिवोर्स हुआ? क्योंकि भले शुभ दिन था, शुभ समय था, रिश्ता बनाने के लिए 2 शुभ मन चाहिए. और अगर वो 2 शुभ मन होंगे ना, तो अगर समय और दिन थोड़ा सा अलग भी होगा तो वो 2 शुभ मन तो उसको क्रॉस करके अपना भाग्य बदल लेंगे. पावर, आर पावर इज हायर देन एनी अदर पावर ऑन द प्लैनेट. थॉट पावर, एंड हमारे से ऊपर सुप्रीम पावर. उसकी पावर यूज कर लो और अपनी पावर यूज कर लो, बाकी सारी चीज़ें तो कुछ भी नहीं. तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? हमारे साथ जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? हमारी मर्जी से हो रहा है. चेंज करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास.
फोकस यहाँ, मेरी हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर ये इक्वेशन फिट करेंगे, मेरी हर सोच, मेरी हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, एनर्जी जो मुझसे निकलती है बाहर जाती है, यह है मेरा कर्म, यह है मेरा कर्म। कर्म सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं है, मेरी हर सोच एनर्जी है जो बाहर जाती है, वो भी मेरा कर्म। अगर मैंने आपसे प्यार से बात की लेकिन आपके लिए अंदर सोचा अच्छा नहीं, तो मेरा कर्म अच्छा नहीं है मेरी बैलेंस शीट में, क्योंकि सोच बोल से ज़्यादा होती है। हम एक मिनट में 3-4 लाइनें बोलेंगे, लेकिन एक मिनट में हम 10-20 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर, एनर्जी जो हमने क्रिएट की, हमसे निकली, बाहर गई, कर्म। हमारे साथ जो हो रहा है, परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आ रही हैं, लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है वो है हमारा, एनर्जी जो हमसे बाहर जा रही है कर्म, एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है वो है हमारा, वो है हमारा, जोर से, वो है हमारा भाग्य। अब जो भी सामने से आ रहा है वो पहले कहाँ से गया था, वो पहले कहाँ से गया था, यहाँ से किया था। मैंने एक बॉल ली, सामने वाली दीवार पे मारी, वो बॉल वापस आनी ही है। 5 मिनट बाद आए, 5 दिन बाद आए, 5 साल बाद आए, या 5 जन्मों के बाद आए, बॉल तो वापस आनी है। लेकिन जब वो थोड़े समय बाद आती है और मुझे भूल जाता है कि ये बॉल तो मैंने ही फेंकी थी, तो जब वो बॉल सामने से आती है तो मैं कहती हूँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी सामने से बॉल आ रही है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामने से आती हुई बॉल आ रही है, अब हम कौन सी बॉल फेंकेंगे। आप यहां खड़े हों और सबके सामने मुझे कुछ गलत कह दें, ये मेरे लिए बॉल सामने से आ रही है, मैं इनका कुछ कर सकती हूं। जब ये सामने से बॉल आ रही है ऐसे, मैं कुछ कर सकती हूं, कैन आई डू एनीथिंग, कैन आई डू एनीथिंग, कैन आई डू एनीथिंग। ट्रांसफॉर्म मतलब जब वो सामने से इस तरह से बोल रही है, मैं कैसा सोचूंगी, मैं कैसा बोलूंगी और मैं कैसा व्यवहार करूंगी, वो मेरा नया कर्म है जो बॉल में नई फेंक रही हो। तो हमारा अटेंशन किस पर होना चाहिए, जो बॉल सामने से आ रहा है या जो नया बॉल हम फेंक रहे हैं, किस पर पावर है, किस पर पावर है, जो बॉल सामने से आ रही है या जो बॉल हम फेंकने वाले हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रही है, आंसर, ये बॉल मेरे पास इधर से क्यों आ रही है, आंसर, क्योंकि मैंने पीछे, क्योंकि मैंने फेंकी थी, तो उनका वो बॉल वापस भेजना राइट है, राइट है, राइट है, शी कैन, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। आई सेंट इट, दैट बॉल कमिंग बैक, फॉरगिव तो हम भी अब कर सकते हैं ना जब वो बॉल वापस फेंकेगी। वॉट शी कैन डू इज नॉट आर पावर, वॉट वी कैन डू इज आर पावर। कभी भी सामने से जो बॉल भेज रहे हैं उनको गलत नहीं कहना। हम में से मेजॉरिटी के घर में एक गीता सार लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा है, जो हुआ, बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है, फिर सारा दिन कोई भी चीज़ को। एक्चुअली वो गीता सार कर्म सिद्धांत के आधार पर है। एक्चुअली द वर्ड कैन बी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, आज मैं यहाँ से बाहर जाऊँ मेरा एक्सीडेंट हो, मुझे अच्छा नहीं लगने वाला वो सीन, लेकिन जो हुआ वो सही, जो हो रहा है वो सही, और जो होगा वो भी सही, किसके आधार से, मेरे कर्मों के अनुसार।
तो किसी भी सीन को और किसी भी व्यक्ति को गलत कहना, वो गलत कहते ही हमने अगली बॉल भी कैसे फेंक दी, गलत। अब सामने से अगर गलत बॉल आ रही है, क्या हम यहाँ से अच्छी वाली बॉल फेंक सकते हैं? सामने से गलत बॉल आ रही है, क्या हम यहाँ से दुआएं भेज सकते हैं? जब आप भेजने का सोच रहे होंगे, जस्ट ओनली रिमाइंड योरसेल्फ, ये हम उनके लिए नहीं, ये हम उनके लिए नहीं, ये हम अपने कर्मों के लिए कर रहे हैं। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, उनका कर्म उनका भाग्य लिखेगा, लेकिन अपने चित्त से उस बात को हटा के, उनके बारे में गलत सोचना बंद करके उनको दुआएं देंगे, तो हम अपना कर्म बदल के अपना भाग्य बदल रहे हैं। वी डू नॉट हैव द पावर टू फॉरगिव एनीबडी एल्स, वी हैव द पावर टू फॉरगिव आर सेल्फ। अगर ये बहन मुझसे तभी गलत करे एंड आई से आई फॉरगिव यू, उससे उसका कर्म का अकाउंट खत्म नहीं होने वाला है। उसका बॉल तो उसने भेज दिया, वो बॉल तो वापस आने ही वाला है, लेकिन मैंने जो यहाँ से बॉल भेजा वो नया कर दिया, तो मेरे पास जो बॉल वापस आएगा वो चेंज हो जाएगा। इतना अटेंशन के साथ अगर जीवन जिया कि मेरे यहाँ से निकलने वाली हर बॉल सही होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखने वाला है, तो जीवन कैसे हो जाएगी? अब इसके लिए लोगों की एनर्जी को ना रिफ्लेक्ट करना, लोगों की एनर्जी को ना अब्सॉर्ब करना, हर एक की एनर्जी को क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना। इजी है ना, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। किसी ने कुछ किया, मैंने पकड़ कर रखा अंदर, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, वो तो इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेली घर पे बैठ के रो रही हूँ, और इतने साल रोने के बाद उसका असर मेरे शरीर पर भी पड़ गया, कोई ना कोई बीमारी के रूप में आ जाता है। क्लॉट शरीर में नहीं बनते पहले, ट्यूमर शरीर में नहीं बनता पहले, यहाँ बनता है, यहाँ से उसका वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली बॉडी को जाता है, और फिर कई सालों के बाद वो बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर जब हम इलाज कराते हैं तो हम उस क्लॉट को, उस ट्यूमर को शरीर से निकालते हैं, और उस गांठ को यहाँ से मन से नहीं खोलते, तो कई बार कुछ सालों के बाद वो फिर से बन जाता है। और इसलिए कई बार हमारे डॉक्टर पहले ही बता देते हैं, ये हमने सर्जरी कर तो दी है, लेकिन लेकिन हो सकता है कुछ सालों के बाद हम फिर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने शरीर से उस क्लॉट को हटाया है, उन्होंने सर्जरी शरीर की है, हमें आत्मा के अंदर के उस क्लॉट को हटाना है, फिर हम उनसे फिर कभी नहीं मिलेंगे, नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ। तो क्या हमारे पास कोई है जिसको हमें क्षमा करना है, अंदर से उस बात को चित्त से हटाना है, है पुरानी बातें डिलीट करने के लिए, हैं डिलीट करने के लिए? हैं? कोई हमारे साथ गलत करेगा उसको हम दुआएं दे सकते हैं, उसके लिए हम अच्छा सोच सकते हैं? किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, अगर हमें वो एक लीगल केस है तो हमें लीगल एक्शन भी लेना है, लेकिन नफरत नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया, उनके बच्चे को किडनैप किया गया था, और किडनैप करने के बाद आज वो बच्चा नहीं है। अब वो जिसने किया वो पकड़ा गया, तो अब वो केस चल रहा है, तो अब वो मदर के लिए, फादर के लिए भी, दोनों के लिए इतना डिफिकल्ट है कि हर बार कोर्ट में जाना और हर बार उस व्यक्ति को देखना जिसने ये किया। तो वो मदर ने कहा, इतना गुस्सा आता है, इतनी नफरत है अंदर से मुझे, इतना गुस्सा आता है कि मेरा मन करता है मैं जाके उसको कुछ कर दूं। अब हम कहेंगे ये तो नेचुरल है, इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई और होता है। तो जब वो सेंटर पर आने लगे और ज्ञान सुनने लगे,
कर्म फिलॉसफी जो पता है लेकिन फिर से एकदम रिवाइज हुई, तो उस फादर ने कहा, सिस्टर ये तो हमारा ही कोई पुराना हिसाब किताब था ना इस व्यक्ति के साथ। तो मैं तो ऊपर से कुछ बोल ही नहीं पाई उसको, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना कि आपका ही ये आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब है। लेकिन उसको समझ में आ गई थी वो बात कि ऐसे ही तो क्यों किया इसने हमारे साथ ऐसा, क्यों आएगा कोई मेरे घर में और मेरे बच्चे को नाश्ता करते करते ऐसे खेलने के लिए बुला के ले गया बाहर, क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा। आंसर मिल गया उसको। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब आगे क्या करना है? अगर मैंने आज उस आत्मा से अभी भी इतनी नफरत की, इतना गुस्सा किया, इतना उसको मैं ये वाइब्रेशन भेजते रहे, तो उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट तो खत्म नहीं हुआ, और ही वो कार्मिक अकाउंट क्या होता जा रहा है, एंटैंगल्ड होता जा रहा है। क्या हम उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट रखना चाहेंगे और नहीं। अगर हमें उनके साथ के इस कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है, तो हमें इस चित्त से उनके बारे में सोचना खत्म करना पड़ेगा, ताकि ना हमारे से उनको कोई एनर्जी जाए, ना उनसे हमारे को कोई एनर्जी आए। आपका मेरा हिसाब किताब खत्म, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ना अभी ना कभी फिर से, खत्म करना है। लेकिन अगर मुझे वो याद आते जा रहे हैं, तो मैं भी आपके बारे में सोच रही हूँ, आप भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, कार्मिक अकाउंट खत्म होने की बजाय और ही स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं हर रोज, तो हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं। ऐसे वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक अकाउंट है, हमारे रिश्ते, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिश्ता उतना ठीक नहीं है। तो मेडिटेशन में बैठकर हर रोज परमात्मा से कनेक्ट कर, सामने उसको विजुअलाइज करके उस आत्मा को प्यार दुआएं, पिछली बार मेरा आपके साथ जो गलत हुआ था, मुझे उसके लिए क्षमा, अब हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है, भेजते जाओ। वेरी सून पुरानी रिकॉर्डिंग जो चित पर है वो डिलीट हो जाएगी, नई रिकॉर्डिंग चित पर क्रिएट हो जाएगी। सोच बदली, कर्म बदला, भाग्य बदल जाएगा। नहीं की उतनी सी मेहनत, तो पिछली बार भी गड़बड़ करके आए थे, इस बार भी गड़बड़ हो रही है, ये जीवन भी कॉन्फ्लिक्ट में बीत रहा है, आगे भी कॉन्फ्लिक्ट में कंटिन्यू होगा। तो उस बहन ने मेडिटेशन करना शुरू किया, वो मदर ने मेडिटेशन में क्या किया, उस व्यक्ति को सामने लेकर आना, माइंड पे विजुअलाइज करना, जैसे रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, कोई दूर बैठा है उसको भी हीलिंग कर सकते हैं, तो किसी के मन के घाव की भी हीलिंग कर सकते हैं, इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो परमात्मा को कनेक्ट कर उस व्यक्ति को सामने लेकर आए और सबसे पहले उसको कहा, पिछली बार मैंने आपके साथ जो गलत किया था उसके लिए पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि नहीं तो आप मेरे साथ कभी करते ही ना ऐसा कुछ। उस व्यक्ति से क्षमा यहाँ मन में। सेकंड, इस बार आपने जो हमारे साथ किया, सरकार, देश का कानून आपका ध्यान रखेगा, मैं अपने चित से इस बात को खत्म करती हूँ, मेरा और आपका हिसाब किताब फुल स्टॉप। रोज, एवरी डे जब रोज करेंगे ना, अब जब कोर्ट में जाएंगे ना और सामने वो व्यक्ति खड़ा होगा, उसको देखकर यहाँ पर एक भी थॉट नहीं आएगी, डिटैच्ड होके उस केस को डील करें, भाग्य बदल जाता है। ये हमारे पास पावर है। एक बहन सेंटर पर आई, उसकी स्पाइन की सर्जरी थी, उन्होंने शहर का बेस्ट सर्जन ढूंढा जिसने इतनी सर्जरीज की थी, लेकिन सर्जरी के दौरान कुछ हो गया। यंग मदर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल हो गए हैं, वो व्हीलचेयर पे ही है, ठीक भी नहीं हो रही,
उसके बाद भी उस डॉक्टर ने इतनी सर्जरी कर ली, बहुत अच्छी हो गई, पहले भी बहुत सारी की थी, बहुत अच्छी हो गई, इसी में गड़बड़ हो गए। तो मेडिटेशन में बैठे, परमात्मा से कनेक्ट हुआ, उसको मैसेज मिला उस बहन को, क्षमा करो उस व्यक्ति को, चित्त पर रिलीज करो, ये आपका उसके साथ कुछ पुराना हिसाब किताब था, वो सामने आया है, अब उसके प्रति कुछ पकड़ के नहीं रखो, क्योंकि आप पकड़ के रखते हो तो वो भी गिल्ट में रहता है, तो आपका कार्मिक अकाउंट खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना गुह्य है। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य 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 है। तो अपने चित्त का बहुत ध्यान रखना है कि हम हर एक के लिए क्या सोच रहे हैं, सामने वाले ने कुछ भी किया हो, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, और जब हम ऊंचा उठाएंगे, हम सिर्फ इस जीवन का भाग्य नहीं बदलते, हम अनेक जन्मों का अपना भाग्य बदल देते हैं। आत्मा अपने संस्कार और भाग्य ही अपने साथ लेकर जाती है। इतना जब फिट हो जाता है अंदर, तो उनके लिए दुआएं क्रिएट करना मुश्किल नहीं, दुआएं ही नॉर्मल हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। हर्ट क्रिएट करना मुश्किल है, क्योंकि पता है वो हमारा ही कर्म बन रहा है। करें उनको क्षमा जिनको पकड़ के रखा है, करें उनको क्षमा जिनको पकड़ के रखा है। यस यस, हर क्षण रेडी रहे, रेडी टू लिव, यहाँ लाइट। आत्मा को जर्नी पर आगे हल्के जाना है, बोझ लेकर भारी नहीं जाना है, उसके नेक्स्ट जीवन पर भी असर पड़ता है। चार एनर्जीज हैं जिनका हमें जीवन में ध्यान रखना है, धन मनी, अन फूड, मन माइंड, तन बॉडी, चारों कनेक्टेड हैं। आज जो हमारा सृष्टि का हालचाल बन रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है पहले हमारा धन। धन कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, काम कारोबार करते हैं, डॉक्टर हैं तो इलाज करते हैं, लेकिन धन कमाते समय अगर छोटी सी भी कोई गफलत कर दी, छोटा सा भी उनके फायदे से पहले अपना फायदा सोच लिया, तो धन तो कमाया लेकिन धन के साथ कुछ और भी कमा लिया। धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन धन से ज्यादा दुआएं कमाएं। धन हमारे घर सिर्फ ऐसे बड़े बड़े सोफे ही ला सकता है, सामान ला सकता है धन, दुआएं सम्मान ला सकती हैं। धन सम्मान नहीं लाता है, सामान लाता है सामान। दुआएं खुशी लाती है, प्यार लाती है, सेहत लाती है, धन इलाज लाता है। अपने फायदे से पहले औरों का फायदा सोचना। आप मार्केट जाते हैं, एक ब्रेड लेने चले जाओ, एक किलो फ्रूट लेने चले जाओ, कोई आपको कहे साहब आज ताज़ा नहीं है, दूसरी दुकान से लेना, मिलते हैं ऐसे लोग के नहीं मिलते हैं, मिलते हैं ऐसे लोग के नहीं मिलते हैं, मिलते हैं ना, किस किस को कभी ना कभी ऐसा कोई मिला, वेरी गुड। उस दिन आपने उसको क्या भेजा, पांच थॉट तो क्रिएट करेंगे ना अच्छे उसके लिए, कम से कम उसके लिए वो 200 रुपये 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट, उसने बेचा ही नहीं, उसका लॉस हो गया उस दिन, लेकिन उसने अपने फायदे से पहले आपके फायदे का सोचा। आपने घर आके कम से कम 5 अच्छी थॉट क्रिएट की उसके लिए, फिर आपने कम से कम 5 लोगों को बताया, आज बताया वो सब्जी वाले ने क्या बोला होता है, मेरे से मत लो। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो 2 नीचे सड़े हुए एप्पल रख के 3 अच्छे ऊपर एप्पल रख के आपको दे दे। उस दिन भी घर आके आपने 5 थॉट क्रिएट की थी कि नहीं की थी, वो दुआओं की ऑपोजिट थी। और फिर आपने 4 लोगों को और भी बताया, तो उन्होंने भी 4 थॉट्स क्रिएट कर दिए, वो दुआओं की ऑपोजिट थी। पहले वाले फल वाले ने उस दिन धन नहीं कमाया, नहीं कमाया ना, उसने बेचा ही नहीं वो चीज़, लेकिन उस दिन उसने दुआएं कमाई। उसके अगले दिन से आप जीवन भर उसी के पास गए फ्रूट लेने के लिए,
और अगली बार से तो आपने उसको पूछा भी नहीं कि रेट क्या है, क्योंकि उसने उस दिन विश्वास कमा लिया था, और जिन 5 लोगों को आपने बताया वो भी सारे उसी के पास गए। उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाना शुरू कर दिया। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, 100% स्पिरिचुअल लॉ गारंटी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो धन के साथ साथ खुशी भी कमा रहे हैं, वो अच्छे कर्म भी कमा रहे हैं। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी, धन तो अपने बच्चों को ही दे जाएगी, अपने कर्म अपने साथ ले जाएगी। बच्चे नहीं शेयर करने वाले वो कर्म जिनको आप अपनी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ कर जाएंगे, उनको तो उनके अच्छे कर्मों की वजह से रेडीमेड प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वो आपके कर्मों का हिस्सा नहीं बनेंगे उसके अंदर। मेरा कर्म मेरा भाग्य, मेरा कर्म मेरे परिवार का भाग्य नहीं बनता। लेकिन हम धन उनको दे जाएंगे, कमाने के तरीके का संस्कार और कर्म अपने साथ ले जाएंगे। बिजनेस करते हैं कहते हैं थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत कहते 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 पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। अब अगली बार जब थोड़ा बहुत करेंगे तो यहाँ अंदर लिख लेना, भाग्य में भी थोड़ा बहुत कुछ आएगा। फिर डिसाइड करना कितना करना है। एक तरफ से हम बिजनेस करते हैं उसमें कोई छोटी सी गफलत कर देते हैं, दूसरी तरफ से हम दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, आश्रम खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, जो हम ये अच्छे कर्म करते हैं उसका भी फल बहुत अच्छा आता है, दुआएं। लेकिन एक को भी धोखा दे दिया तो वो जो रिटर्न आएगा, ये सब कुछ परफेक्ट होगा मेरे जीवन में और एक रिटर्न आ जाएगा, वो मेरे पूरे परफेक्ट जीवन को मुझे एंजॉय नहीं करने देगा। सेवा करनी है सबकी, पुण्य कमाना है तो उसको अलग से नहीं करना पड़ता, अपने बिजनेस में पुण्य कमाना होगा, अपने कारोबार में सेवा करनी होगी, दान करना होगा, पुण्य करना होगा, ताकि एक भी कर्म ऐसा ना हो जो किसी का मन मेरी वजह से अशांत हो, मुझे दुआओं का ऑपोजिट दे। ऐसा बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। तो धन कमाएं, बहुत सारा कमाएं, लेकिन जिनके साथ काम करते हैं वो भी हमारे से खुश हों, जिनके लिए काम करते हैं वो भी हमारे से खुश हों, तो हमारे घर दुआएं आएंगी। ये नहीं गुस्सा करके डांट करके काम कराते गए कराते गए, तो हमारे साथ काम करने वाले हमें दुआएं नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज धन दुआओं के साथ आए, फिर वो धन से अन्न खरीदा जाता है। तो अगर धन के साथ नेगेटिव एनर्जी आ गई तो अन्न की स्टार्टिंग पॉइंट ही राइट नहीं है। अन्न हाई एनर्जी का खाएं, जैसा अन्न वैसा, जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। सो कनेक्शन देखो कैसे जा रहा है। इसीलिए धन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर हो, क्योंकि धन प्योर नहीं हुआ आगे की पूरी चेन अफेक्ट हो रही है उससे। तो जैसा धन वैसा अन्न, फिर जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न भी सात्विक, हाई एनर्जी फूड, हाई एनर्जी फूड। हमारा अन्न हमारा शरीर नहीं बनाता सिर्फ, हमारे अन्न का वाइब्रेशन हमारे मन की स्थिति बनाता है। किसी को यहां बांधा जाए उसको पता है उसको 15 दिन बाद मारने वाले हैं, क्या चल रहा है उसके मन के अंदर, क्या चलेगा उसके मन के अंदर, नफरत, गुस्सा, दर्द, डर, फिर उसके बाद उसकी हिंसा, फिर मृत्यु, और फिर हमारी प्लेट में आ गया हमने कहा प्रोटीन्स। कैसे है प्रोटीन्स खाना, लेकिन अपने डॉक्टर से जाके पूछना मुझे सात्विक प्रोटीन बता दो किस किस चीज में है। ऐसा कोई अन्न ना खाएं जिसमें किसी और का दर्द, डर, हिंसा, डेथ के वाइब्रेशन है। हमारा किचन एक मंदिर की तरह होना चाहिए, जहां हर चीज सात्विक, उसको बनाने का तरीका भी सात्विक। हम प्रसाद खाएंगे सिर्फ,
जिस घर में सिर्फ प्रसाद बनेगा ना, वो घर तो मंदिर वैसे ही बन जाएगा। सिर्फ प्रसाद बनना चाहिए घर में, कुछ दिनों पे प्रसाद नहीं बनता, हर रोज प्रसाद बने। जब हमारे घर में कोई शरीर छोड़ता है उस दिन घर पे खाना ही नहीं बनता, जब बॉडी पड़ी होती है वहाँ नहीं बनता ना। हमारी फैमिली मेंबर की बॉडी है तो भी खाना नहीं बनता। फ्यूनरल करके सबसे पहली चीज़ वहाँ क्या करते, हाथ धोते, पैर धोते, घर आते, स्नान करते, किचन धोते, सब इतना ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली मेंबर की डेड बॉडी पड़ी है और फ्रिज में, फ्रिज में किसकी किसकी पड़ी है। तो वी हैव टू पॉज एंड चेक व्हाट वी डू। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सात्विक अन्न, अब सात्विक अन्न मतलब जो सात्विक मन की स्थिति में बनाया गया हो। आजकल हम कई बार कहते हैं चलो क्या घर पे खाना खाना, बाहर से खा लेते हैं। अब जैसे ही आपने बाहर से खाना खाया, आपने जिसने बनाया उनकी मन की स्थिति को भी अब्सॉर्ब कर लिया। तो जो बना रहा है उसको जाकर पहले पूछना, मूड ठीक है ना, खुश है ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अब खाना बनाना मेरे लिए। इट इज वेरी 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 पावरफुल। इमीडिएट असर पड़ता है, इमीडिएट। किसी भी दिन चेक करना, अगर मन में कोई भी ऐसी वैसी थॉट आ रही हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसने खाना बनाया था उसको जाके पूछो आपके माइंड पे क्या चल रहा है। थ्रू द फूड वी कैन ट्रांसफर वन पर्सन स्टेट ऑफ माइंड टू द अदर पीपल हु आर गोइंग टू ईट। दैट इज द पावर ऑफ फूड। तो अटेंशन से, और जब अपने घर में खाना बना रहे हैं तो प्यार से परमात्मा को याद करके, घर में भजन लगाकर, किचन का वातावरण एकदम सात्विक बनाकर, उस कड़छी को घुमाते घुमाते साथ में परमात्मा की याद की शक्ति, शांति, प्यार, मेरे घर में हर बच्चा जो खाएगा उसका मन शांत, उसका शरीर हेल्दी, मेरे घर में रिश्ते प्यारे, ऐसा बोलते बोलते खाना खिला दो। उनको पता ही नहीं चलेगा वो एक दूसरे से प्यार क्यों करना लग गए अभी सडनली। रिश्तों की गांठें खत्म हो जाएंगी, घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर हम वो नहीं करते, हम क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, खाना भी बनाते हैं लेकिन कड़छी बनाते हैं। उसने मेरे को आज ऐसे बोल दिया, जब देखो मुझे ही आके कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा वाला खाना अगर खिलाया तो चार बातें और सुननी पड़ेंगी आज शाम को। दैट्स द पावर ऑफ फूड। अपने मन को स्थिर करके, मेडिटेशन करके, अपने मन को क्लीन करके तब किचन में जाना। जैसे लोग किचन को क्लीन करते हैं, शरीर को धोते हैं फिर ही किचन में जाते हैं, शरीर को धोने के साथ साथ मन को धोने के साथ किचन में जाना है। तो मन किचन में सिर्फ प्रसाद बनना चाहिए। और जो आपके लिए खाना बनाते हैं उनको कभी नहीं डांटना, क्योंकि हर एक अपनी वाइफ को देख रहा है, सुन सुन क्या ना सुन। तो अभी वाइफ को वापस मुड़ के देखना, बोले सुन सुन, डांटना नहीं मुझे। अगर हमारे लिए जो खाना बना रहे हैं उनको डांटा, वो उदास मन से किचन में जाते हैं और उस उदासी की हालत में ही खाना बना के ले आते हैं। तो पहले तो एक ही का मन उदास होता है, खाना खाने के बाद सब कहते पता नहीं मेरा मूड ऑफ क्यों हो गया। ये मूड ऑफ ऑन खाने से हो सकते हैं। तो ध्यान, ये सब हमें पता है। और फिर जब खाने की प्लेट हमारे सामने आती है तो टीवी नहीं ऑन करना। पहले खाना आते ही भगवान को याद क्या करते थे, आजकल खाना आते ही कहते रिमोट कंट्रोल का है, ऑन करो टीवी। टीवी को देखते देखते खाना खाना, सामने क्या चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, सात्विक बातें नहीं चल रही, उसको देख रहे हैं, मन के चित्त पर अब्सॉर्ब हो रहा है, मन की स्थिति वैसी बन रही है, खाने के अंदर वही वाइब्रेशन जा रही है, वही खाना फिर खा रहे हैं, इंटेंसिफाई हो गया वो नेगेटिविटी। साइलेंस में भोजन कर सकते तो बहुत ही अच्छा, और सबके साथ बैठकर कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हुए खाना खाना है, ताकि अगर वो बातें हमारे खाने में सुन भी ली तो उनको खाने के बाद मन और अच्छा अच्छा हो जाएगा। कभी भी घर की कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम,
खाने की टेबल पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए. द फूड इज अब्सॉर्बिंग द प्रॉब्लम एंड देन इट विल अफेक्ट द माइंड ऑफ द पीपल हु आर ईटिंग. आजकल की दुनिया में बिजनेस मीटिंग्स भी लंच के ऊपर करते हैं. वी विल हैव अ मीटिंग वाइल हैविंग लंच. हैव लंच देन हैव द मीटिंग. ये हमारी संस्कृति में है. हमने चलते चलते क्या किया, सर्व भूल गया. जब प्लेट सामने आती है तो क्या किया करते थे पहले, पहले हाथ जोड़ के क्या किया, उसको याद किया, उसकी शक्ति का आह्वान किया, खाने का शुक्राना किया, उसको शुक्रिया किया, फिर पानी लिया हाथ में, पानी में एक मंत्र डाला, फिर उस पानी को क्या किया, ऐसा किया. ये सब क्या हो रहा था, ये सब क्या कर रहे थे, पानी में उस मंत्र को डाल के उस हाई एनर्जी वाटर से खाने बनाने वाले की कोई जो एनर्जी थी उसको सारा क्या कर दिया, धो दिया. अब खाना सात्विक बना है. सिर्फ वेजिटेरियन सात्विक नहीं होता, हाई एनर्जी फूड सात्विक होता है. वेजिटेरियन है लेकिन दुख और दर्द से बड़ा है तो वो तामसिक है, नेगेटिव एनर्जी है उसकी. ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में हम बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द फूड. तो हर एक जहाँ रहता है, चाहे सेंटर पे चाहे घरों में, खाना बनाते के समय मेडिटेशन की स्थिति में रहते हैं, फिर खाना बनने के बाद 10 मिनट्स विशेष मेडिटेशन करते हैं ताकि बनाते बनाते अगर कुछ भी गया बीच में उसको भी साफ. फिर जब डाइनिंग टेबल पर आता है हर एक 30 सेकेंड्स के लिए फिर पॉज करके मेडिटेशन करके उसमें डाल के फिर प्यार से खाना खाते हैं. आधे से ज़्यादा काम संस्कार बदलने का वहीं हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता उसके बाद. तो धन सात्विक, अन सात्विक, पानी जब पिए उसको भी अमृत बनाकर पिए, क्योंकि पानी भी जहाँ जहाँ से आया है शहर में ऊपर टेरेस पे अब्सॉर्ब कर रहा है शहर की पूरी वाइब्रेशन. तो उसको 10 सेकेंड के लिए अपना पानी का ग्लास सामने लेकर आए, ऐसे पकड़े हाथ में, पकड़े पकड़े विजुअलाइज करें मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, उसको देखें, किसी को नहीं पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं. 10 सेकेंड्स में उसमें थॉट डालें, सर्वशक्तिवान परमात्मा की सब शक्तियाँ इस पानी में हैं, ये पानी पानी नहीं अमृत है, मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ. 5 सेकेंड में हो गया, पानी कन्वर्ट हो गया अमृत में. किसने कन्वर्ट किया, हमने किया. कितनी बार किया, सारा दिन कर सकते हैं. प्रसाद खाना शुरू कर दें, अमृत पीना शुरू करते हैं, तामसिक भोजन खत्म, तामसिक पीना खत्म, तो जीवन कलयुग से शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, सत्युग बन जाएगा. और सत्युग में कौन सी आत्माएं रहती हैं, डिवाइन आत्माएं रहती हैं. फिर किसको जाएंगे पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या है, भाग्य में क्या है, क्या पूछना है. हर संकल्प से अपना भाग्य हम बनाते हैं. रोज सुबह उठकर अपने घर के वातावरण को सात्विक कर लें. सुबह सुबह घर में न्यूज चैनल ऑन नहीं करना चाहिए. सुबह का समय है, सुबह अर्ली मॉर्निंग. घर में कैसा वायुमंडल चाहिए, कैसे वायुमंडल चाहिए, जैसे ही न्यूज ऑन किया तो वायुमंडल शिफ्ट हो जाएगा. ऐसा हम में से कौन कौन अखबार पढ़ता है सुबह सुबह, पेपर का है, पेपर का है, लाओ पेपर. जिस दिन नहीं आता, 2 दिन साल में नहीं आता है सिर्फ, तो कुछ लोग तो उस दिन पिछले दिन का पेपर उठा लेते क्योंकि एडिक्शन इतनी हो जाती है न्यूज़पेपर से. एडिक्टिव नेगेटिव एनर्जी. अर्ली मॉर्निंग नहीं पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा चित्त एकदम साफ है. क्यों हमें कहा करते थे सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो, तो सुबह सुबह जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब. हम क्या पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह वो ही पढ़ो, सुनो, देखो जो बनना चाहते हो. करप्शन, वायलेंस, ये सब पढ़ा सुना तो अंदर का गुस्सा और दर्द बढ़ने ही वाला है. शांति, खुशी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ऐसी बातें सुननी, पढ़नी, देखनी सुबह सुबह, आधा घंटा अपने लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ बनाने के लिए. आधा घंटा सुबह, रात को सोने से पहले 10 मिनट्स, फिर इस चित्त को साफ करके इस पे कुछ अच्छा डाल के सोएंगे तो वो नींद बहुत अच्छी आएगी.
कोई गलत सपने नहीं आएंगे, कोई नेगेटिव थॉट डर नहीं लगेगा रात को नींद के अंदर. और जब रात को इतना अच्छा सोएंगे तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट कैसी होगी. सो इट बिकम्स अ साइकिल, इट बिकम्स अ साइकिल. एंड फिर सारा दिन में जो कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है, हम पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं. अगर हमने सोशल मीडिया में अपना ध्यान नहीं रखा, अब इंफॉर्मेशन लेते गए लेते गए लेते गए, ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, खुशी गायब. जोक है, मजाक है, किसी ने किसी की निंदा की, किसी ने कुछ किया, हम पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते. फिर सिर्फ पढ़ते नहीं, एक बहुत डीप कर्मा करते हैं, कॉपी करके पेस्ट फॉरवर्ड सबको. ये कर्मा कभी नहीं करना कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव मतलब किसी की निंदा भी हो रही है वो नेगेटिव है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है वो नेगेटिव है, उसको फॉरवर्ड करके समाज को दूषित नहीं करना. कोई एक, कभी हमने सोचा है कोई एक जना बनाता है वो सिर्फ मैसेज? मैं खुद पर्सनली रोज एक मैसेज बनाती हूँ अपने फेसबुक पेज के लिए, तो मैं एक जना ही बनाती हूँ, बाकी लाखों लोग उसको सर्कुलेट करके बाकी काम करते हैं. अगर मैं एक जना बनाऊं और बाकी लोग सर्कुलेट नहीं करें तो वो किसके पास रह जाएगा? सिर्फ वो सिर्फ अकेले मेरे पास ही रह जाएगा. इसीलिए जो गलत मैसेज बना रहे हैं, अगर हम सर्कुलेट करना बंद कर देंगे, वो बनाने बंद कर देंगे. लेकिन हम सर्कुलेट करते हैं, वो और इनकरेज हो जाते हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, इसलिए हम भी उनके कर्मों में क्या हो गए, हम भी उनके कर्मों में भागीदार हो गए. कर्मों की गति अति 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 गोहीय है. सात्विक सुनना, सात्विक पढ़ना, सात्विक देखना, सात्विक खाना, सात्विक पीना, सात्विक सोचना, सात्विक बोलना, सत्युग बन जाएगा. और ये सत्युग कौन बनाएगा? ये सत्युग हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाने वाला है. भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं. भाग्य विधाता मतलब ये नहीं कि वो भाग्य लिखता है, भाग्य विधाता मतलब वो हमें भाग्य लिखने का विधान सिखाता है. भगवान ज्ञान देता है सही कर्म करने का. जैसे आप अपने बच्चे को राय देते हैं सही कर्म करने की, आप अपने बच्चे का कर्म नहीं कर सकते हैं. कर्म तो उसको खुद ही करना होगा. परमात्मा हमें ज्ञान देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है, कर्म हमें खुद करना है. लेकिन रोज सुबह सुबह अगर आधा घंटा उसके साथ बैठ जाएं, ज्ञान स्टडी करें, उसके साथ कनेक्शन जोड़ें, योग करें, मेडिटेशन करें, तो सही कर्म करने की अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, वो तो अपने आप होने लग जाएगा. आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है कभी? सेंटर पर आकर नहीं सीखा है? एक बार सीख कर देखते हैं. अभी सुरेश भाई का अनुभव सुना ना, सुना ना, आज वो बहुत इजीली सुना रहे हैं ये सारी बातें. अगर आप कुछ साल पहले देखते तो बहुत ही अलग ही चरित्र और चित्र था. बहुत ही प्यारी आत्मा, सबके लिए बहुत कुछ करने वाले, साफ दिल, लेकिन अहंकार अति, गुस्सा अति. तो सारा एक संस्कार भी सारी अच्छाइयों को क्या कर देता है? ढक देता है. सबको सारी अच्छाई भूल जाती, सिर्फ एक ही बात याद रह जाती, उन्होंने मुझे उस दिन ऐसा बोला. और वो एक कर्म नेगेटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करता है लाइफ में. लेकिन सिर्फ रोज क्या किया? सात्विक खानपान, और रोज सुबह आधा पौना घंटा सेंटर पर आकर ज्ञान लेकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा. कड़े 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 संस्कार, कड़े, सिर्फ संस्कार नहीं, कड़े संस्कार, कड़े कड़े दाग चेंज हो गए. कितना टाइम लगा? 3 महीने में ही सफाई होनी शुरू हो गई थी, आज तो 7 साल हो गए, तो बहुत सफाई हो गई है. हम सब कर सकते हैं, बहुत इजी है. तो जब आप यहाँ अंदर आ रहे थे, आपको एक पैकेट मिला था, पैकेट मिला था ना हर एक को, उसके अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर प्रसाद है आपके लिए. बहनों ने बहुत प्यार से मेडिटेशन में आपके लिए वो प्रसाद बनाया है सेंटर पर. उसके अंदर एक कार्ड है जिसमें राजकोट में जो सारे सेंटर हैं उसके एड्रेस लिखे हुए हैं. हर सेंटर के ऊपर हर मंडे से
राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू होता है, कल भी शुरू होगा। 3 टाइम रखे हैं आपके लिए, सुबह 6 से 7, अगर वो सूट ना करे तो शाम को 5 से 6, अगर वो भी सूट ना करे तो रात को 8 से 9। सुबह 6 से 7, शाम को 5 से 6, रात को 8 से 9, और अगर ये तीनों टाइम नहीं सूट करे किसी भी दिन किसी भी टाइम, किसी भी दिन किसी भी टाइम सेंटर पर आएं, दीदी को कहें मुझे ये 3 टाइम सूट नहीं करते, मुझे ये टाइम पे करना है, आपके साथ बहन अलग बिठाकर आपको मेडिटेशन सिखाएगी। भगवान ने उनको सेवा पर रखा है, हम सब के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, सिर्फ हमें उससे जो सीखा वो हम सबको सिखाने के लिए। एक बार सेंटर पर आए, आप सब तो माउंट आबू के भी कितना नज़दीक रहते हैं, एक बार आइए जहाँ हर एक उस मेडिटेशन की स्थिति में सब कुछ कर रहा है, तो हमें एक एग्जाम्पल मिलता है देखने को कि हम भी अपना घर ऐसा बना सकते हैं। आज से जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे हमारा युग बदलेगा, हम सत्योगी आत्मा हैं, 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 हैं। रोज सुबह अपने आप को एक बार कहना, मैं सत्योगी डिवाइन आत्मा हूँ। हम सबको सत्योग लाना है तो अपनी सोच को बदलना होगा। सामने से कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारा रिस्पॉन्स सत्योग वाला होगा, और हमारा रिस्पॉन्स ही हमारा भाग्य बनाता है, सामने वाला हमारे भाग्य को कुछ नहीं कर सकता है। और रोज सुबह कल से ही अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालें, सेंटर पर आकर इस मेडिटेशन को सीख लें, एक बार सीख कर फिर उसको रोज करना शुरू कर दें। हर घर में 1 दिया जल जाए तो बाकी दिए जल जाएंगे। दिया मतलब क्यों अभी दिया जलाया था यहाँ पर, दिया जलाना शुभ होता है ना, और दिया बुझ जाए तो दिया मतलब सारा दिन दिया 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 दिया, जब देते रहेंगे तो जीवन शुभ रहेगा, लेकिन अगर हमने कहा मुझे चाहिए 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 तो दिया बुझ गया। तो इसलिए हर घर में 1 दिया चाहिए, 1 दिया बाकी सबके दिए को क्या कर देगा, जला देगा। तो हम सब अपने घर के वो 1 दिए हैं, तो कल से अपने लिए वो 1 घंटा निकालें। किस किस के पास कोई 1 है क्षमा करने के लिए, 1 है क्षमा करने के लिए, चलिए अभी करते हैं, सिट बैक। और आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम आज ही अपना कर्म और भाग्य बना लेंगे। आप सबको पता है इस हॉल का 1 ही दरवाजा है, राइट है, और हम सब यहाँ से ऐसे चलेंगे फरिश्तों की तरह जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं, जैसे कोई बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। साइलेंस में घर तक चलेंगे, सभी नहीं उठेंगे प्लीज, ये हॉल 10 मिनट से कम में खाली होगा, ये 100% गारंटी है। सिर्फ आपको जब कहा जाए आप तभी उठिएगा, करेंगे उतना सहयोग देंगे एक दूसरे को, करेंगे यस, और मौन में चलेंगे घर तक, मौन में चलेंगे, मौन में चलते चलते अपनी कार्मिक की बैलेंस शीट को चेक करते जाएंगे ताकि सब कुछ जो अपने अंदर भरा है वो अंदर चला जाए, डीप सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाएगा फिर वो। चलिए सिट बैक, कंफर्टेबल, स्ट्रेट, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एनर्जी कॉन्शियसनेस, मैं दिव्यात्मा हूँ, आई एम द डिवाइन बींग,
दोहराएं इस लाइन को बार बार अपने लिए, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार सबको सुख देता है। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। अनेक जन्म लिए, अनेक रिश्ते बने, बहुत प्यारे कर्म किए, आज जीवन बहुत सुंदर है। कुछ एक चीजों को आज ठीक करना है, लेकर आए उनको सामने, जिसके साथ के रिश्ते को हमें और सुंदर बनाना है। देखें उनको सामने, वो हमारे साथ जो कर रहे हैं, हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, उनकी कोई गलती नहीं। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे उस पुराने कर्मों के लिए, अभी क्षमा मांगे उनसे उस पुराने कर्मों के लिए। आज वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करें। पास्ट इज पास्ट, पुराना हिसाब किताब पूरा हुआ, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर, पुराना हिसाब किताब खत्म। आज से आपके लिए मेरी हर सोच में सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं, प्यार और दुआएं। मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, आज से आपका और मेरा एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होता है। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सात्विक, मैं सत्योगी दिव्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हर एक जो मुझसे मिलेगा उसको सुख मिलता है, संतुष्ट हो जाती है वो आत्मा। मैं सारा दिन सबके लिए सेवा पर हूँ। हर
हम बिल्कुल इसी स्थिति में बैठेंगे, न मन हिलेगा न शरीर हिलेगा, बिल्कुल स्थिर, क्योंकि हम पावरफुल सोल्स हैं, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, अपने ऊपर राज्य करते हैं। पीछे के दरवाजे खोलें, दरवाजे खोलिए सेवा पर जो है। म्यूजिक चलता रहेगा। बिल्कुल एंड में जो कॉलम है, एंड में दरवाजे के पास, वहां से एंड से पांच लाइनें वो उठेंगी और पीछे चलेंगे। आप साइलेंस में चलेंगे लेकिन फास्ट चलेंगे, साइलेंस में चलेंगे, हिलेंगे नहीं लेकिन फास्ट चलेंगे। कुर्सियों की भी आवाज नहीं, शरीर की भी आवाज नहीं, मन भी शांत। एंड से, बिल्कुल एंड से पांच रोज उठेंगे पूरे। जहां तक हो सके लिफ्ट को ना यूज करें, सिर्फ जिनको बहुत जरूरी है वही यूज करेंगे, हमें तो सिर्फ नीचे उतरना है, इजी है। अगली पांच लाइन उठेंगे पीछे से। एक्सट्रीम जो उस वॉल के पास कॉलम है वो उठेंगे एंड में, उस तरफ से बैठे हुए ऐसे, हाँ, जो दरवाजे के बिल्कुल आगे बैठे हैं वो उठेंगे। हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं अपने कार्मिक अकाउंट की चेकिंग करने के लिए। पीछे से 5 लाइंस और उठेंगे।